चलो दोबारा फिर से जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब जी हम लोग ग्रामर सेशन शुरू करते हैं और बहुत लोग जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगा अगला बार से जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें ग्रामर सेशन पहले करेंगे, उसके बाद वर्ड पावर लग रहेंगे, क्योंकि दोबारा जुड़ने में कभी कभी बहुत बार दिक्कत हो जाता है इसी कारण से। चलो पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो आज जान रहे हो कि आज हम सभी का क्या है, टेंथ डे है, और टेंथ डे में और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब में आपका मॉडल, और मॉडल में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक या जो प्रॉपर्टीज है समाप्त हो चुका था, तो एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और जो वर्ड पावर है ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, तो यहां पर देखो अब देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर सभी लोग? यस सर। यस, चलो देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले चल रहा हूं आप सभी को रिवीजन के लिए, और ये मैं बता चुका हूं फिर भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप सभी। यहां पर देखो हमारा जो हम लोग पढ़े थे कि वी कैन यूज बोथ, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जैसे ही सी इट दिस दैट सिंगुलर नाउन, ये सभी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपका वी दे यू दिज दोज ये सभी आपके प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन इसके बाद हमेशा आपका क्या होगा, मॉडल का प्रयोग हम लोग करेंगे। यानी कि कहने का मतलब सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा, ध्यान सुनना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, मॉडल हमारा सेम का सेम होता है, बदलता नहीं है। इसलिए मैंने लिखा था कि कैन कैन है तो उसके साथ वी भी होगा, दे भी होगा, सी होगा, की होगा, तो इस प्रकार से आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने समझाया था कि एलवे यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद मॉडल, तो मॉडल के साथ लोग हमेशा वी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये हम लोग मॉडल के पहले जो सब्जेक्ट आएगा वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, तो ये तुम लोग इससे पहले और रूल नंबर वन में पढ़े या टू में पढ़े। इसके बाद हम लोग अभी है कि इसके बाद आपका V1 का हमेशा प्रयोग होगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, और आज के क्लास में बहुत लोग नहीं जुड़ पाए अभी तक, मात्र 16-17 लोग हैं, क्योंकि अभी थे 41 के आसपास, और इससे आधा से भी अधिक लोग जुड़ नहीं पाए। इसका कारण है क्योंकि एक बार जुड़ते हैं तो दूसरा बार पता नहीं टेक्निकल क्या प्रॉब्लम आता है, जुड़ नहीं पाते हैं। देखो फोन भी आ गया। हेलो, अगेन ट्राई करो, शायद हो जाए। अच्छा कोशिश करो ना, हो जाएगा। हाँ कोशिश करो, हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। बहुत लोग का फोन आ रहा, क्या करूं। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट में रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा ही। तो यहाँ पर देखो ये वाला हो गया ना, उसके बाद देखो आपका मॉडल का जो हमारा है नेक्स्ट, कि मॉडल के कोई भी फॉर्म नहीं होता है, तो मैंने बताया था कैन है ईडीडी और आईएनजी और एस या ईएस लगा करके, तो ये सारे कोई भी फॉर्म नहीं होता है। तो आपके एग्जाम्पल में था आकांक्षा कैंस या कैन, तो यहाँ पे आपका कैंस नहीं होगा, कैन होगा, ये बता दिया था। इसके बाद बताया था कि वी नेवर यूज टू आफ्टर मॉडल, मॉडल के बाद कभी भी टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद है कि ओनली यूज इन्फिनिटिव आफ्टर आउट एंड यूज, यानी कि इन्फिनिटिव के बाद हम लोग, सॉरी आउट और यूज के बाद हम लोग
टू का प्रयोग सिर्फ कर सकते हैं आउट और यू के साथ करेंगे, और इसके बाद वी वन इसके साथ कुछ स्पेशल केसेस हैं जब लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे समझने का प्रयास करेंगे दोबारा। और लास्ट में हमारा था सेकंड लास्ट है कि यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर मॉडल बी, मॉडल प्लस बी। तो मॉडल प्लस बी के बाद हमेशा हम लोग देखो मॉडल प्लस बी का बाद हम लोग हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वी थ्री का प्रयोग करेंगे, और ये हमारा पैसिव फॉर्म में होता है। जिसे कहते हैं ना कि आई कैन बी यूज्ड, तो कैन बी के बाद आपका वी थ्री का प्रयोग होता है और ये हमेशा हमेशा पैसिव फॉर्म में होता है। इसके बाद है डब्ल्यू एच सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस में मैंने आपको बताया था डब्ल्यू एच में आपका क्या, कब, कैसे, कहां, कब, ये सारे वर्ड आते हैं इसके इंग्लिश वर्ड, तो जो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं और ये सब है। तो आपके इसके बाद तुरंत मॉडल और मॉडल के बाद तुरंत सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वी वन का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन करेंगे क्योंकि यहाँ सारे डब्ल्यू एच वर्ड आ गए हैं। तो ये आपका था ओवरऑल रिव्यू। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ सर दिक्कत? नो सर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहले है स्टडी करेंगे कैन के बारे में। अब देखो कैन, तो कैन जो हमारा है, कैन क्या है, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और ये जो है वो आपका प्रेजेंट, यहाँ एक वर्ड आ गया है प्रेजेंट कैपेसिटी। प्रेजेंट कैपेसिटी के मतलब वर्तमान का जो आपका क्षमता है, एबिलिटी योग्यता है, एंड पावर शक्ति है। अब ये सारे पढ़ने से पहले एक बात और समझो, कोई कोई आपके पास ऐसे सेंटेंस होंगे कि जिन सेंटेंस में आपका एक कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर तीनों चीज एक्सप्रेस करेंगे एक ही सेंटेंस में। मैं मेरा बात ध्यान से समझना, सी यहाँ पे कैप लिखा हुआ है ना, ये आपको रिमेम्बर रखने का तरीका है, सी फॉर कैपेसिटी, ए फॉर एबिलिटी एंड बी फॉर पावर। तो यहाँ पर देखो C for capacity, ability और जो पावर है, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें से तीनों का तीनों होंगे, कैपेसिटी भी होगा, एबिलिटी भी होगा और पावर भी होगा। किसी में सिर्फ आपका कैपेसिटी और एबिलिटी होगा, किसी में हो सकता है एबिलिटी और पावर होगा, तो किसी में एक, किसी में दो और किसी में तीनों का तीनों भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, लेकिन उसमें से जो हमारे लिए वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग वहां पर डिसाइड क्या करेंगे, लेकिन वो एक से अधिक चीज को एक्सप्रेस कर सकता है। तो अब यहाँ सेंटेंस हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से जो स्टेटमेंट लिखा हुआ, इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको मैं समझा दूं, तो ये लिखा हुआ है कि कैन का जो प्रयोग है वो वर्तमान का क्षमता, योग्यता, शक्ति यानी कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को एक्सप्रेस करता है। और इसके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, अनोखा कैन ड्राइव या कार, मान कर चलो अनोखा, यहाँ पे लिखा अनोखा कार ड्राइव कर सकती है। जो अनोखा कार ड्राइव कर सकती है मतलब उसका योग्यता की बात करते हैं। एक बात और समझते हैं, जो हमारा स्किल होता है ना, स्किल के मतलब जो आप क्या होता है, कुशलता जिसे हासिल होता है आपसे, तो इस स्किल से एक अब देखो जो स्किल हमारा है, तो इस स्किल से आपका एबिलिटी का प्रयोग होता है, एबिलिटी। तो जब आप स्किल, जैसे आप देखो कि जब आप शुरू शुरू में साइकिल चलाना प्रारंभ किए थे या स्टार्ट किए थे, उस समय आप बिल्कुल जीरो, एक ऐसा भी स्टेट आपके लाइफ में रहा होगा जिस समय साइकिल आप चलाना नहीं जानते, चलाना नहीं जानते थे, इट मींस आपके पास स्किल जीरो था। आप अगेन एंड अगेन रिपीट के उसी वर्क को तो आपने लर्न किया, सीख लिया, इसके मतलब आपने स्किल डेवलप हो गया, स्किल डेवलप हुआ इसके मतलब आप में योग्यता आ गया, आप में एबिलिटी हो गया। तो वो स्किल से एबिलिटी पर होता है।
तो ये हमारा हो गया कि अनोखा कैन ड्राइव या कार, मतलब उसकी योग्यता को वह दर्शाता है। यहां पर है नेक्स्ट में अंजलि कैन लिफ्ट द बॉक्स ऑफ 150 kg। जो अंजलि है वह एक यानी कि 1.5 क्विंटल का या 150 किलो का जो बॉक्स है उसे उठा सकती है। अब अंजलि उठा सकती है, इट मीन्स उसका क्या पावर है, शक्ति की बात कर रहे हैं। उसके बाद में कैपेसिटी मतलब क्षमता, जैसे बोलू आई कैन रन या माइल इन 4 मिनट्स, मतलब 1 माइल का जो दूरी है, 1 माइल यानी 1600 मीटर जो दूरी है वह मुझे 4 मिनट में दौड़ सकता। जब मैं 4 मिनट में दौड़ सकता हूँ, इसके मतलब मैं अपना कैपेसिटी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं अपने क्षमता की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना क्षमता के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बहुत लोग अब फिर से बोला रहा है, चलो आगे देखते हैं। तो अनोखा कैन ड्राइव, तो यहां से आप लोग कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर ये तो समझ गए आप लोग। Yes. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और भी आपको बताऊं, तो एक बार देखो, अगर मैं बोलूं कि आप क्या 4 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, क्या बोलोगे? नहीं, 1 मिनट में तो दौड़ ही नहीं, मतलब 10 मिनट तो हो ही नहीं सकता। तो अब सोचो कि जब आप नहीं दौड़ सकते हो, तो इसके मतलब उसमें कैपेसिटी तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, पावर भी है, उसमें शक्ति है, तभी तो कर पा रहा है। और अगर ये ऐसा कर पा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में वो 1 माइल चला जाएगा, 1600 मीटर की दूरी तय कर लेगा। नहीं, एक बार में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वह रोज रोज वह मेहनत करता था, उस मेहनत के कारण से जो स्किल डेवलप किया, एबिलिटी डेवलप हुआ। तो इस सेंटेंस में आपका एबिलिटी भी है और आपका कैपेसिटी भी और पावर भी है। तो इस प्रकार से हो सकते हैं एक सेंटेंस में एक से अधिक है, तो ये आपका यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो एक रूप में हम देखेंगे, जो सबसे ज्यादा जो नियर बाय है इस सेंटेंस का, वह कैपेसिटी है। इसलिए कैपेसिटी हम लोग ज्यादा एप्रोप्रिएट मानेंगे, बाकी सभी यहाँ पे होंगे। इसके बाद है एक्सप्रेस सेंस ऑफ परमिशन। अच्छा, अब यहाँ देखो, थोड़ा सा दौड़ था उसका तस्वीर, आपका गाड़ी ड्राइव करने का या उठाने का। इसके बाद एक्सप्रेस सेंस ऑफ परमिशन, तो जहां पे आपका आदेश देने की बात होता है, तो ये आप क्या कहते हो, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। जैसे आप यहाँ हो और आप किसी को जाने का जिक्र कर रहे हो, तो यू कैन गो नाउ। इसी तरह से कहते हो यू कैन पार्क योर कार हेयर, आप अपना गाड़ी को यहाँ पे लगा सकते हो। पार्क मतलब यहाँ आपका ग्राउंड वाला नहीं है, ये आपका यहाँ पे है, बता रहा है कि आप अपने गाड़ी को यहाँ लगा सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे शहरों में इस प्रकार से स्टैंड जो होता है या नंबरिंग क्या रहता है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर रहा है, कार को पार्क कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे है यू कैन पार्क योर कार हेयर, आप अपने गाड़ी को यहाँ पे लगा सकते हो। इसी तरह से है यू कैन नॉट एंटर माय रूम, आपका कोई रूम आ रहा है और ये कह रहा है कि आप मुझे अपना रूम में प्रवेश करने दो, लेकिन आप क्या करते हो कि यू कैन नॉट एंटर माय रूम, आप मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हो, आप मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हो, कार के यहाँ लगा सकते हो, या अब आप जा सकते हो, या अब आप आ सकते हो। तो परमिशन जहां पे होगा वहां पे आपका कैन का प्रयोग होगा। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे, परमिशन हो सकता है कि कैन में भी पढ़ेंगे, गुड में भी पढ़ेंगे, मे में भी पढ़ेंगे, मस्ट में भी पढ़ेंगे। तो उसमें से फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि हम लोग बोलचाल के भाषा में कौन सा एप्रोप्रिएट है, कौन सा किसमें हमारा पोलाइटनेस को ज्यादा ये एक्सप्रेस करता है, तो उस चीज को हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी शुरुआती स्तर हमारा है मॉडल का, इसमें मैं कोई विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कंपेयर इसका आगे और हम करेंगे जब रिपीट होना हमारा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ इसमें कैन में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये समझू कि ऑनलाइन क्लास में अभी हम एक ही कोई स्टूडेंट है ना, इसका आवाज आ रहा है, बाकी कोई तो नहीं हो? वाह, शाम का समय हो गया है, बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, बहुत थक चुके हो, मानना पड़ेगा। वो एक ही है ना यहाँ पे? क्या करोगे एनर्जी बचा के इतना, जब पढ़ाई में नहीं लगाओगे तो। उसके बाद है एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी।
अब ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज के लिए होता है, तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज के लिए मतलब एक सैद्धांतिक हम लोग अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या लगाते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपके मोहल्ले में कुछ चोरी हो गया और कोई चोर है जो बार बार पकड़ाता था और वो चोरी नहीं भी किया है तो भी आपका शक उसी पे जाएगा, जाता है अक्सर ऐसा। या फिर देखते हो कि कोई लड़का बुरा है और कोई गलत काम किया है तो सबसे शक उसी पे पहले जाता है कि ये हो जा। या आप गाड़ी चला के जा रहे हो कहीं पे रोड में और कोई आदमी टू व्हीलर के कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो आप अनुमान लगाते हो, या फिर गिरा हुआ रोड के किनारे इस प्रकार से, तो आप अनुमान क्या लगाते हो कि इसका हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया है, कहीं आपको कुछ ऐसे हालात में मिलेगा तो आप क्या कहोगे मर्डर हो गया है। तो ये सारे आप अलग अलग भाषा में लोग प्रयोग करते हैं, तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी वो संभावना है, वो श्योर नहीं है कि वह काम हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग एक संभावना के आधार पर बात करते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज पर कि ये तो हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं एग्जांपल, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कि प्रत्येक कोई एक या प्रत्येक या सभी लोग, एवरीवन के मतलब प्रत्येक लोग, जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में कभी ना कभी तो गलती हम लोग से हो ही जाता है, तो गलती कर सकते हैं, तो ये क्या हमारा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, आप इसको टाल नहीं सकते। लेकिन मैं बोलूं कैन इट बी मर्डर, आप कहीं देखे और कोई आदमी जो हालात है जो चेहरा का या किसी प्रकार से वो इतने खराब स्थिति में है तो आप अनुमान का लगाते हो कि श्योर इसका मर्डर हुआ होगा, तो किसी से क्या पूछते हो कैन इट बी मर्डर, क्या इसका मर्डर हुआ है, तो आप उसके मर्डर के बारे में पूछते हो। तो ये चीज आपका है यहाँ पे। इसके बाद है टू एक्सप्रेस नेचर एंड हैबिट, किसी का आप आदत को दर्शाने के लिए भी काम करते हो, जैसे क्या कहते हो आई कैन क्रिटिसाइज यू, तो देखो किन्हीं का आदत होता है क्रिटिसाइज करने का, तो आई कैन क्रिटिसाइज यू मतलब मैं आपका ईर्ष्या कर सकता हूँ, तो ईर्ष्या कर सकता हूँ मतलब क्यों आदत को दर्शा रहे हैं यहाँ। ये लायर कैन चीट एनीवन, जो धोखेबाज होता है लायर झूठ बोलने वाला, वो किसी को भी क्या कर सकता है चीट कर सकता है धोखा दे सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि नेचर मतलब उसकी प्रकृति कैसा है, उसका स्वभाव, प्रकृति मतलब यहाँ पे उसका स्वभाव कैसा है, उसकी आदत कैसा है, उसके आधार पे भी हम लोग यहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं, इसके आधार पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आपके दोनों पॉइंट में किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। आगे चलो, आज फिलहाल इतने रखते हैं क्योंकि आगे फूड है और अभी जो ज्वाइन के मात्र 16 लोग ही हैं और ये सही नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग का छूट जाएगा, इसी कारण से सिर्फ इतने ही रखता हूं अभी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे ग्रामर से, उसके बाद वर्ड पावर में चले। तो चलो ठीक है, फिलहाल आज इतने ही रखते हैं। कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट ट्रेनिंग सर, अभी नाइट नहीं हुआ है। अब मेरा से विदाई हो रही हो, अब सुबह फिर मिलोगे मॉर्निंग में, तो अभी तो मेरे लिए गुड नाइट ही बोल के जाना होगा ना। ठीक है सर।